मामूली से विवाद को लेकर दबंगों ने एक बार फिर से बेटी को मार मार के लहूलुहान कर दिया, सर में गंभीर चोटें मारी और आज वो मूर्छित अवस्था में है। लगभग 3 दिन का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी जो बेटी है वो बेहोशी की हालत में है। 3 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मामला था कि अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आ गई। चलिए, हालांकि एक बार उठा के देख लेते हैं। अगर अरे बेटा उठो, निकी, नाम निकी है जो इनके पापा ने बताया। फिर भी चलिए इनके पापा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था। हाँ बताइए बहू जी, क्या मामला था? इतनी मारपीट की गई, बच्चे और आपकी वाइफ 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, जो बिटिया की हालत है वो आप हमारे सामने है, क्या हुआ था? लड़का को पीट रहे जी, दरवाजे पर खड़ा ये गाली। क्यों पीट रहे थे, क्या वजह थी? उसने गाली दी, इसने मना करा हमारे लड़के ने, मुझे इसे गाली क्यों दे रहा। उसके बावजूद वो अपने घर को चला गया, ये अपने घर को आ गया वापस, दरवाजे पर जैसा खड़ा भीतर को आ गया। पीछे से आए डंडा लाठी लेकर बूरी बल्लम लेते हुए, और आते ही उन्होंने मारपीट चालू कर दी। जिसको 100 नंबर वाले ने फोटो वोटो खींच कर उसके सबरे लेके, जो हमारे घर में खून पड़ा था, हम चुप पड़े रहे। 100 नंबर के लिए फ़ोन करा, एम्बुलेंस के भी लिए फ़ोन करा, 100 नंबर आई, उन्होंने कहा देख के आप थाने चले जाओ। हम थाने चले गए, उन्हें बताया हमने कि हमारे इतनी चोट आई है जी, वो बोले लेकर दो मिन जी, हमारे बस की नहीं। यानी एक गाली गुफ्तार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था जी साहब, इसलिए हुआ। वो मकसद क्या था उसका, गाली क्यों बकता था? वो दरवाजे पर खड़े रहने पर देता ही था जी, वो तो एक साथ को देखकर गाली ज्यादा बकता आपको, बेटी को? लड़की जावे तब भी देवे और लड़का जावे तब भी। घर से कोई भी निकलेगा उसको गाली बकता। बताओ मुद्दा, जो पेशाब करे वो तुम्हारी तरफ, दरवाजे पर सामने पेशाब भी करता था जी हमारे, उसका सामना आमना सामना बच्चे से कह रहे ये हमें परेशान करे ऐसा, यहाँ मूत्र मिन जी मुँह तंदे, बच्चे इनसे कही मैंने कि मुँह तंदे परी तुम इधर को देखो भी मत, इनकी ओर को झगड़े से हम तो बचना चाह रहे, मैं ये तो हमसे अर्जना चाह ही रहा। बचते बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए जब इन्होंने विरोध किया तो मार मार के बुरा हाल कर दिया। इनकी वाइफ भी यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करके देखते हैं एक बार। बहन जी आप बात करेंगी हमसे? हाँ बात कर लीजिए, थोड़ा ये हटा देंगे पर्दा अपना, कोई नहीं है यहाँ हमारे अलावा, कोई नहीं है, हटा दीजिए। हाँ बताइए क्या मामला था? बच्चे इनको गाली दे रहे आज ही जो घर से निकला। गाली क्यों? ऐसा मतलब ऐसा क्या वजह हो गई थी, क्यों चढ़न ऐसी मांग रहा था, क्या बात मांगना चाहिए? अरे हम ननसार में रह रहे हैं तो वो सोचे कि हमें मिल जाती है ना रहते तो इस वाले गाली दे रहे हूँ। काय में रह रहे हैं आप? ननसार में रह रहे हैं। अच्छा आप लोग ननसार में रहते हैं? ननसार में रहते हैं। आप अपनी मायके में रहते हैं? सासुल की। अच्छा अच्छा, सासुल के मायके में रहते हैं। वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे रहे? वो चाहते नहीं थे यहाँ पे रहे। मैं इस बात को लेकर इस वाले को खुंस खा रहे हैं बच्चे, इन पर कहीं मार दें तो यहाँ से भाग जाओ, कैसे गाली के ही ऊपर। लड़की डोलती रह गई घर के सामने चक्की है उसके, वहीं पेशाब करता रह गया वो। मैं बोली कि मम्मी ऐसे कर दो, मैं इधर को देखो ही मत। हम तो रोज बिछाते ही रह गए, अब लड़का को ना हुई बर्दाश्त, गाली दे रहा लड़का। वो ने बोला के क्यों गाली दे रहा है, लड़के ने दे दिए कद गाली, वो बल्लम लेके अल्लाह पर। कितने लोग थे वो मारने वाले? वो 10-12 लोग थे। 10-12 लोग थे एक साथ? कहाँ से इकट्ठा हो गया? फोन कर दिया उसने अपने घर को, घर से आ गए। जब ये गाली गुफ्तारों को निबट गई उसके बाद प्लानिंग के साथ में जब इकट्ठा होके आए? जब इकट्ठा होके उसके बाद मारपीट की गई उसके घर में, हमारे घर में आके मारपीट की। मारपीट भी हुई, बल्लम चले, लाठी फरते चले, उसके बाद में ये हाल है। और दिखाते इनके भाई को भी, दिखा दीजिए एक बार इनके भाई की हालत है। आपसे भी बात कर लेते हैं भाई, क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा, आप भी किस बात को लेकर झगड़ा था? सर हमको गाली देता था, थोड़ा जोर से बोल दो भैया। सर हमको गाली देता था, हमारे घर पे आके टॉयलेट करता था। अच्छा, इसका मना करने पर वो घर में आकर पीटा और आगे जान से मारने की भी धमकी दी है।
भाई। क्या मारा आप? सर बोरी बल्लम से मारा है, यहाँ पर लगा हुआ टांग, बल्लम से मारा टांग में लगा हुआ भी है। कितने लोग थे? लगभग थे 7-8 लोग थे, आके घर में पीटा। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है, झगड़ा होता है आपस में, झगड़ा कीजिए, हम तो कह रहे हैं खूब लड़िए, मगर यार कम से कम महिलाओं को, बेटियों को जो इस तरीके से गंभीर चोट देती जाती है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है। मर्द आपस में चाहे जितना लड़ लें, मारपीट चाहे जितनी कर लें, मगर कम से कम महिलाओं को तो बख्श दें। महिलाएं अगर बीच में आ जाएं तो दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है। अच्छा, सिर्फ हम एक बात कहना चाहते हैं कि महिलाओं को लेकर अगर सरकार सख्त हो जाए तो कहीं ना कहीं हद तक इस तरीके के क्राइम रुक सकते हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ साहिल खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।